तो एक अपडेट आया है Realme 9 Pro Plus के अंदर C.13 का 1.16 GB का अपडेट है, लेकिन चैनल लॉग में ज्यादा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ सिक्योरिटी पैच के बारे में दिया है। लेकिन हम सब चेक करने वाले हैं कैमरा में क्या हुआ, बैटरी में क्या हुआ, परफॉर्मेंस में क्या हुआ। बस अब क्या करो, नीचे सब्सक्राइब बटन होगा उसको दबा, आपने से बहुत ने नहीं कर रखा तो प्लीज कर लो। अभी सबसे पहले जिस चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो चार्जिंग टेस्ट है, क्योंकि C.12 वाले अपडेट जिससे पहले वाला था उसमें जो चार्जिंग थी वो बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी थी। 40 मिनट में फोन 78% पे ही रहता था और टोटल 100% चार्ज होने में 59 मिनट्स मतलब लगभग एक घंटा लग जाता था। तो ये स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम इस C.13 के अपडेट में ठीक हुई है नहीं, इसलिए मैंने चार्जिंग टेस्ट किया अपडेट करने के बाद, और आप देख सकते हो 40 मिनट के बाद इसके ओरिजिनल चार्जर से 93% तक चार्ज हो जाता है, जो कि पहले 78 से डेफिनेटली फास्ट है। लेकिन 100% होने में जो पूरा टाइम लगता है इस बार, तो देख सकते हो 46 मिनट और 26 सेकंड में 100% चार्ज हो जाता है। तो अब फोन चार्ज करने में एक घंटा नहीं लगेगा। तो यस, C.13 के अपडेट में चार्जिंग स्पीड जो है वो पहले जैसी हो चुकी है, 45-46 मिनट में आप फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन जो बैटरी बैकअप है, जिस पे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि बैटरी बैकअप इस अपडेट के बाद बहुत ज्यादा लो हो चुका है, एक्चुअली पॉइंट क्या है कि C.12 जो पिछला अपडेट था उसी में बैटरी बैकअप खराब हुई थी। मैंने जब C.12 का रिव्यू किया था तो उसमें बोला था कि थोड़ा सा जो बैटरी बैकअप है वो कम हुआ है, और वही चीज अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप हमें देखने मिलता है 8 घंटे 18 मिनट का, और मुझे पता है बहुत सारे लोगों का इससे कम आता हुआ क्योंकि आप लोग थोड़ा ज्यादा हैवी यूज करते होगे। मैंने बस थोड़ा मोड़ा BGMI COD वगैरह खेला और थोड़ा सा एंटूटू रन किया, बाकी सब नॉर्मल यूजेज है, इस वजह से थोड़ा स्क्रीन ऑन टाइम ज्यादा है। लेकिन पॉइंट है, मुझे पता है कि यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो अभी भी कम है, काफी जल्दी जल्दी आप देख सकते हो यहाँ पे बैटरी ड्रॉप होती है, बहुत ही तीखी ढलान है। तो जो उम्मीद थी कि अब बैटरी बैकअप थोड़ा ठीक हो जाएगा, रियलमी को करना चाहिए, वो अभी भी इन्होंने नहीं किया। 5G नेटवर्क मैंने यूज किया, अगर आप वाईफाई यूज करोगे तो थोड़ा सा और बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा क्योंकि 5G थोड़ा ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। बट बैटरी में ना मुझे एक और उम्मीद थी कि हम लोग को बैटरी हेल्थ का फीचर देखने मिलेगा, वो इस बार नहीं देखने मिलता। आप देख सकते हो Realme 11 Pro Plus में बैटरी हेल्थ का ऑप्शन दिखता है, लाइक ये फीचर आपको iPhone और iOS में मिलता है, बट 9 Pro Plus में भी हो सकता था आ जाए क्योंकि 11 Pro Plus में मिलता है, सो वो अभी नहीं है। अब हम लोग थोड़ा परफॉर्मेंस पे आते हैं कि इस C.13 के अपडेट के बाद परफॉर्मेंस में क्या हुआ है, क्योंकि पिछली बार C.12 में परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हुई थी, फ्रेम जो है वो काफी ज्यादा कॉन्स्टेंट है, गेम प्ले देखने को मिल जाता है काफी ज्यादा स्मूथ है। इस बार लेकिन क्या, देखो पहले जो अंतुतु स्कोर था वो 491,000 के आसपास था, और अभी का जो अंतुतु स्कोर है वो 487,487, तो लाइक सिर्फ 4,000 का अंतर है, 4,000 से अंतुतु स्कोर कम हुआ है, उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जब आप गेम्स खेलने जाते हो तो आपको डिफरेंस फील होगा, मैंने भी फील किया। BGMI के अंदर स्पेशली जब आप गेम्स खेलते हो थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप्स होता है, लैग्स वगैरह देखने मिलता है, लेकिन वही चीज आपको COD के अंदर नहीं देखने मिलती। COD में काफी ज्यादा स्मूथ गेम प्ले देखने मिलता है, तो COD में ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ BGMI में थोड़ी सी प्रॉब्लम पिछले के मुकाबले होती है। बाकी इस अपडेट को कर लेने के बाद ऐसा कोई फोन चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, YouTube वगैरह अच्छे से चलता है और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा मोड़े एड्स जो वो फिर से रीसेट कर दिए जाते हैं, मतलब आपने अगर सेटिंग्स से ऑफ कर रखा है उन्हें तो वो वापस ऑन हो जाएंगे, तो वापस अपडेट के बाद आपको सबको जाके एक एक करके ऑफ करना पड़ेगा, तो एड से बचना है तो इतना करना पड़ेगा। तो अभी आप लोग कैमरा टेस्ट देख रहे हो, लेफ्ट साइड में आप लोग को पहले की इमेज है C.12 में, और राइट साइड की C.13 वाली इमेज है। एक चीज आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे, C.13 वाली थोड़ी सी ज्यादा डायनामिक है, हाईलाइट्स इसमें काफी अच्छे हैं, वहीं C.12 वाला थोड़ा सा फ्लैट है। इस फोटो में भी वही है, यहाँ पे थोड़े से हाईलाइट्स ज्यादा है, बूस्टेड है, जो कि अच्छी बात है। बाकी इस इमेज में आप देख पा रहे हो दोनों में ही जो ब्लैक्स है वो काफी ज्यादा क्रश्ड है, दोनों में ही मतलब खराब ही फोटो है। इस इमेज में आप अगर देखो तो C.13 में जो ग्रीन से काफी ज्यादा बूस्टेड है, वहीं C.12 में उतने बूस्टेड नहीं थे, तो 12 वाली इमेज थोड़ी बेटर है, और फेस पे भी बहुत ज्यादा पीला टोन है। अब ये पोर्ट्रेट इमेज है, आप देख सकते हो C.13 में और C.12 में एक अंतर है, 13 में थोड़ा सा ज्यादा येलो टोन फेस के ऊपर, बहुत हल्का सा। बाकी एज डिटेक्शन दोनों में ही सिमिलर सा है और अच्छा है दोनों में, तो यहाँ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इस इमेज को भी देखोगे तो आपको C.13 में हाईलाइट्स थोड़े बूस्टेड है, बाकी कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। अभी आप लोग फ्रंट कैमरा के सैंपल्स देख पा रहे हो, एक चीज सीधा क्लियर है कि C.13 में थोड़ा सा डायनामिक रेंज फ्रंट में बेटर हुआ है। यहाँ देख सकते हो काफी सिमिलर सेल्फीज है, अगर हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पीछे जो डायनामिक रेंज है इसको थोड़ा सा सिनेमैटिक ग्लो कर दिया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्लो देखने मिलता है, लेकिन मुझे C.12 वाला इस केस में बेटर लग रहा है। अगेन यहाँ पे भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने मिलता C.12 में और C.13 में, डिटेल्स वगैरह सिमिलर है। इस फोटो में आप अगर देखो तो थोड़े से फेस पे ज्यादा डिटेल C.13 में। तो कैमरा के अंदर चाहे रियर हो चाहे फ्रंट हो, बहुत ही मिनिमल से चेंजेस है। तो अभी आपने कैमरा टेस्ट देख लिया, लेकिन एक क्वेश्चन काफी ज्यादा लोगों के मन में है कि क्या फॉग इश्यू आया है, क्योंकि पिछली बार इसी मतलब
सीजन में फॉग इशू आ चुका था। जिन लोगों को नहीं पता, कैमरा के लेंस में फॉग जमा हो जाता था जिस वजह से फोटोज ब्लर आती थी, लिटरली फॉग। तो वो प्रॉब्लम अभी नहीं है क्योंकि अपेरेंटली वो प्रॉब्लम एक सॉफ्टवेयर इशू था और इस अपडेट में वो सॉफ्टवेयर इशू एड नहीं हुआ है। अब ओवरऑल अगर इस अपडेट को मैं समराइज करूँ कि ये 1.16 GB के अपडेट को करने के बाद क्या मिलेगा, तो बस एक सिक्योरिटी पैच, स्लाइड परफॉर्मेंस में डिग्रेड, चार्जिंग पहले से बेटर हो जाएगी, बैटरी बैकअप में ज्यादा कुछ नहीं देखने मिला, कैमरा के अंदर भी आप लोग देखोगे तो ज्यादा कुछ मतलब ऐसा बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है, लाइक ओके ओके है। बाकी यही था C.13 का अपडेट। आप लोग कहते हो कि अपडेट्स का रिव्यू करो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, करे या ना करे हमें पता चलता है, तो इसलिए कर देता हूँ। आप बस हमें सपोर्ट करते रहो, नीचे सब्सक्राइब बटन है दबा लेना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो। बाकी मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।